हेलो दोस्तों, नमस्ते। हैप्पी मॉम चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेजन के न्यू कलेक्शन की वीडियो लेके एक नए वीडियो में मैं फिर से आ गई हूँ। ये प्रोडक्ट आप अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के साथ साथ अदर शॉपिंग सेंटर से भी आप बाय कर सकते हैं। अमेजन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है, लिंक को क्लिक करके आप प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिली किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम है पीलर, जिसे आप अपने वेजिटेबल को इस तरीके से इजली पील कर सकते हैं। ये फ्लैट शेप का है, जिसमें आप वेजिटेबल के फ्रूट्स के पील को भी इसमें कलेक्ट करके फेंक सकते हैं। पोर्टेबल मल्टीफंक्शनल रैक, जिसे आप अपने किचन में अपने फर्नीचर में भी इस तरह का रैक आप बनवा सकते हैं, जिसमें आप अपने ओवन के साथ साथ में अपने पैन पॉट और अदर सामानों को भी इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। वार्डरोब में अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यह है क्लोसेट ऑर्गेनाइजर, जिसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। इसमें आप टी शर्ट का सेट एक और पैंट का अलग करके अच्छे से आप अपने वार्डरोब में कपड़ों को सेट करके रख सकते हैं। वॉल माउंटेड टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर बॉक्स, जिसे आप बिना ड्रिल किए अपने बाथरूम की वॉल में अपने टिश्यू पेपर और रोल को अच्छे से इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सेल्फ एडेसिव यह रॉड, जिसे आप अपने बाथरूम की वॉल में अपने टावर को और स्लीपर को इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप इस रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम स्पेस में भी यूज होने वाला यह है मिनी डस्टबिन, जिसे आप अपने बाथरूम में किचन में वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज हैंगिंग स्टोरेज रैक, जिसे आप अपने किचन में बाथरूम में वॉल में आप इस रैक का सामानों को स्टोर करके रखने के लिए आप इस रैक का यूज कर सकते हैं। स्विंग करते टाइम फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए यह है फिंगर प्रोटेक्टर कवर, जिसे आप स्पेशली स्विंग करते टाइम अपने फिंगर में इसे यूज करके सिलाई कर सकते हैं। मेटल आयरन का बना हुआ यह है स्पाइस रैक, जिसमें स्पेशली आप अपने स्पाइसेस को, अपने ऑयल के बोतलों को आप इसमें कुकिंग करते टाइम यूज करने के लिए इसमें रख सकते हैं। मोमो डंपलिंग सीट, जिसमें आप एक ही बार में चार मोमोज को इसमें इजीली आप डंपलिंग कर सकते हैं। रोटेटिंग किचन ट्रॉली, जिसमें राउंड बास्केट्स लगे हुए हैं, जिसमें आप अपने वेजिटेबल फ्रूट्स को इजीली आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बास्केट को आप रोटेट भी कर सकते हैं, साथ में इसमें व्हील्स भी लगे हुए हैं, जिससे आप किचन में इजीली इसे मूव भी कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन को धूल मिट्टी से बचाने के लिए यह है वॉशिंग मशीन कवर, जिसे आप अपने वॉशिंग मशीन में इस तरीके से कवर करके अपने धूल मिट्टी से इसे आप बचा सकते हैं। टॉयलेट में कबर्ड सीट के ऊपर यूज होने वाला यह स्टोरेज रैक, जिसमें अलग अलग सेल्फ दिए हुए हैं, इसमें आप अपने बाथरूम के सामानों को अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। स्टील का बना हुआ ये है गार्लिक क्रशर, जिसमें आप अपने गार्लिक के पीस को इसमें इस तरीके से आप रख के प्रेस करके आप गार्लिक को क्रश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जूस मेकर, जिसे आप घर के यूज के लिए अपने किचन में यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मोटर दिया हुआ है, जिससे आप फ्रूट से इजिली जूस निकाल सकते हैं। अमेजोन पे आपको अलग अलग प्राइस के जूस मेकर मिल जाएंगे। फूड स्टोरेज रैक, जिसे आप अपने डाइनिंग टेबल और किचन में फूड को स्टोर करके रखने के लिए आप इस रैक का यूज कर सकते हैं, इसमें कवर भी दिया हुआ है। फोल्डेबल स्पाइस ऑर्गेनाइजर रैक, जिसे आप किचन कैबिनेट के अंडर सेल्फ में इस तरीके से आप अपने स्पाइसेस को इसमें ऑर्गेनाइज करके इस रैक में आप रख सकते हैं, ये काफी स्पेस को भी बचाता है। राइस स्टोरेज कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर है, इसमें आप 10 केजी से लेकर 20 केजी का अराउंड राइस को स्टोर करके रख सकते हैं, इसे आप अपने किचन कैबिनेट, किचन काउंटर में रख सकते हैं। वेजिटेबल स्क्यूजर, जो प्लास्टिक और सिलिकॉन का बना हुआ है, वेजिटेबल में जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहता है ग्रेट करने के बाद, आप इसमें रख के इस तरीके से उसे स्क्यूज करके एक्स्ट्रा वाटर को निकाल सकते हैं। वॉलनट को क्रैक करने के लिए यह है वॉलनट क्रैकर टूल, जिसे इस तरीके से आप वॉलनट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैग्नेटिक लैंप, जो कलर चेंजिंग लैंप है, इसे आप अपने रूम में, ऑफिस में, नाइट के टाइम में रख सकते हैं।
बोतल से केचप को निकालने में काफी दिक्कत होती है, तो यह है सॉस डिस्पेंसर पंप, जिसे इस तरीके से आप इजिली केचप को निकाल सकते हैं। क्यूर्सा यह है इलेक्ट्रिक पॉट, जिसमें आप अपने फ्रूट को इसमें आप इन्फ्यूज करने के लिए इस पॉट का आप यूज कर सकते हैं। कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यह वैक्यूम वैक्स, जिसे आप अपने वार्डरोब में जो भी बड़े कपड़े होते हैं इस बैग में आप रख के उन्हें वैक्यूम करके काफ़ी वार्डरोब में स्पेस को सेव कर सकते हैं। 2-in-1 यह है फ्लोर क्लीनिंग मॉप, जो वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए और साथ में फ्लोर में पोछा लगाने के लिए भी आप इस मॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल रिपेयर पेस्ट, जिसे आप अपने वॉल के क्रैक को भी दाग धब्बों को भी इसकी मदद से इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। वॉल माउंटेड इनरवेयर ऑर्गेनाइजर रैक, जिसे आप अपने वार्डरोब में वॉल में अपने इनरवेयर सॉक्स को अच्छे से इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेटल वायर का बना हुआ हैंगिंग स्टोरेज रैक, जिसे आप अपने किचन की वॉल में बिना ड्रिल किए इन्हें हुक की मदद से अटका के आप अपने सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साथ में आप इन्हें बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। डोर को स्टॉप करने के लिए यह है डोर स्टॉपर, जिसे इजीली इस तरीके से आप अपने डोर को स्टॉप कर सकते हैं। एक स्टोरेज रैक, जिसमें 3 लेयर दिए हुए हैं, इसे आप अपने किचन काउंटर और फ्रिज में एग को लगभग 30 से लेकर 32 के अराउंड आप स्टोर करके रख सकते हैं। साथ में निकालने के लिए भी आप इजली लेयर वाइज इसमें निकाल भी सकते हैं। एडजस्टेबल डिश ऑर्गेनाइजर रैक, जिसे साइज के अकॉर्डिंग आप अपने किचन काउंटर में और किचन के कैबिनेट के नीचे एरिया में आप इसे अपने प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप सेट करके रख सकते हैं। पोर्टेबल स्लिम स्टोरेज रैक, जिसे आप स्पेशली आप अपने बाथरूम में जहाँ भी कम स्पेस होता है वहाँ इस रैक का आप अपने टिश्यू पेपर बाथरूम के सामानों को अच्छे से इसमें स्टोर करके रखने के लिए इस रैक का यूज कर सकते हैं। कोलेप्सिबल डॉग फीडर पॉट, जिसे आप इस तरीके से अपने साथ कैरी करके अपने पेट एनिमल को आप इसमें खाना खिला सकते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है और कैरी करने में भी आप इजली इसे कैरी कर सकते हैं। पॉट रिपेयर डोर्स, जिसे आप अपने बर्तनों में जहाँ पे होल पड़ जाता है तो वहाँ पे इसे लगा के कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अमेज़न के एक न्यू कलेक्शन के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।